जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था, लेकिन आज देखिए एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं, यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग, आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे सातों दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन स्कीम की करीब
70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है, यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। साथियों, पूरी दुनिया के लिए पैरेलल इकोनॉमी एक बड़ी चिंता का विषय रही है। फिनटेक ने पैरेलल इकोनॉमी पर भी चोट की है और बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है। साथियों, भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रिज करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो फॉर्मल बैंकिंग से बाहर थे। फिनटेक ने इस स्थिति को भी बदल दिया है। आज वो पीएम स्वनिधि योजना से कोलेट्रल फी लोन ले पा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता रहता है। कभी शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव था, आज गांव और कस्बों में भी इन्वेस्टमेंट के इस एवेन्यू को बड़ी संख्या में एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय
रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, ये भी फिनटेक्स के बिना संभव नहीं था। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। साथियों, भारत की फिनटेक क्रांति की उपलब्धि सिर्फ इनोवेशंस के लिए ही नहीं बल्कि एडॉप्शन लेकर के भी है। भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को एडॉप्ट किया है उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को भी जाता है और हमारे फिनटेक को भी जाता है। देश में इस टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रस्ट पैदा करने के लिए अद्भुत इनोवेशन किए गए हैं।